100 रुपया भी दिए 100 आदमी तो 10,000 आ गए ना, खर्चा पानी चल गया भाई जो 2 हफ्ता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 4 मीटिंग का निकाल लिए, कुछ फार्म वार्म निकाल देते हैं, ये सबमिट करो वो सबमिट करो। मैं तो जाता नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ अशोक जी। सही बात क्या है यार, ये जो अलॉटमेंट वाला ड्रामा हुआ, ये भैरव सिंह राजावत की और सुनंदा कदम की वजह से हुआ है। अरे ये लोग भाई क्या करते हैं नहीं करते हैं उसमें हम क्या बताएं, जो हमको इक्वल नॉलेज हो ना। हाँ। कोई सीनियर होता है कि चलो आगे गाइड करता है, साहब साला इसमें जितने भी कोई पढ़े लिखे बंदे तो ज्यादा थे नहीं, पढ़े लिखे की संख्या सिर्फ 2.1% थी। इतने सीनियरों में 1% आदमी पढ़ा लिखा था, 99% वैसे थे। एक बात बताऊं, आप पीरागढ़ी में मिले थे ना, मेरी बात नहीं माने थे ना, जो जीरो चैनल वाले के थ्रू आज तक करते रहते, उसमें कोई खर्चा नहीं, साल भर का 600 रुपए भी नहीं आता। और सारा काम मैं संभाल रहा हूँ, आज तक संभाल रहा हूँ। अच्छा। हाँ, और ये भी बता दूं मैं, टाइम चाहे जो लग जाए, जिस दिन पैसा लूंगा उस दिन ब्याज सहित इनके अंदर हाथ डाल के निकाल दूंगा। मैं देखो मैं क्या करूँ, 1% आदमी जो था नॉलेज वाला था। मैं आप मानते हो नहीं मानते हो, पीरागढ़ी जब मिले थे तो मैं आपको बोला भी था, आप मेरी बात को इग्नोर कर दिए। तब तो आप ऐसो कमेटी की गा रहे थे ना। नहीं नहीं ऐसो कमेटी कमेटी नहीं, मेरा 1 रुपया भी नहीं लगा है, 1 रुपया पर्सनल नहीं है। पर्सनल जितना था मैं बंद होने से पहले पहले मार पीट लड़ाई झगड़ा कर करके मैंने ले लिया था। अच्छा। मेरा 7-8 लाख रुपया था। अगस्त के बाद ही मैंने इतना झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद करके हेड ऑफिस में पैसा ले लिया था। इंडिविजुअल तो है अपना निकाल लिए, अपने जो जूनियर एजेंट है उनको मरने के लिए छोड़ दिए। अरे जूनियर एजेंट क्या, मेरे खुद के कस्टमर हैं, 1-1 करोड़ एक एक आदमी का, मैं 1 करोड़ की भरपाई तो नहीं कर सकता। उस समय कंपनी बंद हो गया, कोई दे रहा था क्या ब्रांच में, ब्रांच में भागे भूत की लंगोटी है, लोगों से कलेक्शन इकट्ठा किया। जो अदर टीम वाले थे ना, अदर टीम वालों से संपर्क बनाया, हाथ जोड़ा, मैं कहा यार जो पैसा खर्चा पानी लेना है यार इतना कलेक्शन करा दो। अच्छा। ऐसे ऐसे करके मैंने अपने पैसे एडजस्ट करा लिए थे। तो इसका मतलब वो जो है 22 अगस्त के बाद में भी हुआ है क्या? 22 अगस्त के बाद लोगों ने जमा किया था पीछे से कुछ। अच्छा, आपने भी किया था? अरे हमने नहीं किया, जैसे अदर टीम वाले थे ना। हाँ। जिनके पास कलेक्शन लाते थे, चूतिया एजेंट बहुत सारे घूम रहे थे, ला ला के जमा कर रहे, सीनियर को पकड़ा देते थे। सीनियरों से तालमेल बनाया, मैंने अपना पेमेंट करवाया किसी तरह रोक आके लड़ाई झगड़ा करके। तो भैया जमा तो आपके सामने करते होंगे तभी तो आप वो लेते थे। नहीं नहीं हमसे उसे मतलब, हमने कलेक्शन का अपना जो था अपना हिसाब किताब ले लिया था। अच्छा। मैच्योरिटी मेरी थी पिछले साल 2013 की थी, लड़की हुई करीब 1,000 मैच्योरिटी थी। एक दो तो अपनी तो निकलवानी पड़ेगी। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारा उल्लू सीधा हो गया, बाकी देखा जाएगा। अरे अशोक जी आपने नहीं किया, पटेल तो बहुत सारा किया था यार। पटेल किया था, मैंने तो नहीं किया, हमारी तो कोई मैच्योरिटी नहीं हुई थी मालिक जी, हमारा 3 साल भी नहीं हुआ था पूरा। मतलब नए नए लगे थे और क्या, 35 महीने काम किया था। तेरा वाला तो जो आदमी 5 साल से अंदर लगे थे वो तो बेचारे एकदम बंटाधार हो गए थे। वही तो मैं कह रहा हूँ। मैं तो 11 साल काम भी कर लिया था राजकुमार भाई।